हेलो गाइस, तो आपको थंबल देख के पता लग गया होगा हम कौन सा गाना सीखने वाले हैं, कौन दिशा में लेके चला रहे बैठे थे, जो कि नदिया के पार मूवी का है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए मुझसे ये काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई ये वाला गाना हमें सिखाइए। तो अगर आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग नहीं सुना तो सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। आई होप आपको ये गाना पसंद आएगा, आप जाकर के बिल्कुल जरूर सुनिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है, जाकर के जरूर सुनिएगा और उसके बाद आकर यहाँ पे आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये गाना जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने वाला हूँ, पूरा का पूरा गाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो की बेस्ड है F7 मेजर पे। ठीक है, F7 मेजर पे। इसमें जो है जो नी यूज हो रहा है वो कोमल यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी सब शुद्ध स्वर है। ठीक है, जो नी यूज हो रहा है ये वाला, जो सरगम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये बिल्कुल जानकारी नहीं है कि फिर मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, या कोमल या कौन सा ये स्वर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई पूरी, जाकर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जाकर के आपने जरूर देखिए। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से अगर जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप जरूर वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो मुझे कर लीजिए, वहां पे आप जो है मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये गाना जो स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट होगा सरगम, मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें जो हमारा नी यूज हो रहा है, सारे गामा पा धा नी सा, तो जो नी है वो कॉमन नी यूज हो रहा है। ठीक है, तो बाकी गाना बिल्कुल इसी बेस्ड है। तो स्टार्टिंग में जो ट्यून चलती है वो कैसे चलती है, तरीके से चलता है ना। तो स्लो करके देखेंगे कैसे, एक बार और बताता हूं थोड़ा सा कैसे था। इसके साथ में जो ट्यून चलती है, तो थोड़ा और स्लो करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी समझा रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख पाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए 24 आवर्स बिल्कुल हेल्प करने के लिए यहां पे बैठा हूं। ठीक है, तो कैसे था यहां से, फिर ट्यून चलती है। हाँ, मैं आपको थोड़ा जो है इस पे करके दिखाता हूँ। भाई मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं कि मैं कोई गाना गा सकूं, तो इसलिए मैं बीच में बोलता नहीं, मतलब गाते हुए। ठीक है, तो थोड़ा साउंड पे आपको बताता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में भी आपको। तो ये जो ट्यून शुरू हो रही है 2-3 बार है, मैं पूरा नहीं बजा सकता क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। और स्लो करता हूं, थोड़ा और देखते हैं। तो इसके बाद जो गाना स्टार्ट होता है, ठीक है, थोड़ा और आपको बता देता हूँ क्योंकि शायद आपको समझ ना आए, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। आपको रटना नहीं, रटने के साथ साथ आपको समझना भी है, बेसिक समझना है उसका बेसिक। मान लिया आप एक गाना यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई गाने से किसी ने बोल दिया कि भाई सी मेजर से बजा के दिखाना जरा, तो यही गाना आप कैसे बजाएंगे, तो यहाँ आपको आना चाहिए। तो कहीं से भी आप किसी भी स्केल से बजा सकते हैं अगर आपको स्केल की नॉलेज है। तो ठीक है, तो कौन सी वाली टोन बता रहा था मैं आपको, ये वाली। तो आगे चलता है गाना, थोड़ा स्केल पे बताता हूं आपको।
कैसे? थोड़ा और स्लो करके बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद है थोड़ा और म्यूजिक आपको बता देता हूँ एक बार। आपको शायद समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे समझाने की। थोड़ा और स्लो कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो अंतर चलता है कैसे? तो कैसे कैसे, एक बार थोड़ा और स्लो। ठीक है, तो एक बार फिर से और कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आगे ट्यून चलती है, थोड़ा और स्लो करके एक बार बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, फिर उसके बाद चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो कैसी थी लास्ट वाली ट्यून? और स्लो करते हैं। फिर से वही आ जाता है जो पहले वाला था।
साहब गाना जो आगे प्ले होता रहेगा इसी तर्ज पर, ठीक है। आगे दो तीन जो भी कली है इसकी वो इसी तर्ज पर प्ले होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास कीबोर्ड नहीं है, अगर आप फिर भी सीखना चाह रहे हैं तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ORG के नाम से है, बहुत अच्छी है एप्लीकेशन पियानो की है, जो आई थिंक 2019 की 2020 की भी आई भी है उसमें, तो कोई से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने F7 मेजर पे ये गाना प्ले किया, तो किसी दूसरे स्केल पे प्ले करना है, किसी सात इसमें शुद्ध होते हैं लेकिन सब टोटल मिला के जो भी होते हैं वो 12 स्वर होते हैं, ठीक है, 12 स्केल होते हैं, तो 12 के बारे पर आप जो है कैसे प्ले करेंगे। मान लीजिए मुझसे यहाँ से प्ले किया, अब मुझे मान लीजिए यहाँ से प्ले करना है, कैसे प्ले करूंगा मैं, मुझे मान लीजिए यहाँ से प्ले करना है तो 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 ये स्केल की नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो जाकर के बिल्कुल आप प्ले लिस्ट चेक कीजिए, वहां पे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि आप एक गाना अलग अलग स्केल से कैसे बजा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये गाना पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हमें लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।